दो कमरा वाला ये सिंपल सा ये हमने प्लान लाया है फ्रेंड, जो कि 12 फीट x 40 फीट पे इस प्लान को बनाया है। वो 400 स्क्वायर फीट पे इस प्लान को बहुत ही कम ज़मीन पे बनने वाला ये प्लान है फ्रेंड्स, जो कि ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने एंट्री की साइज़ जो 4 फीट रखी है और गेट, मेन गेट यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। दिस साइड से स्टेयर्स एक दो स्टा अप लिया है। फिर यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का बेडरूम का डोर देते हुए, बेडरूम जो कि इसकी साइज़ की बात करें तो ये 7 फीट हमने छोटी सी ये बेडरूम रखी है और यहाँ पे 10 फीट। फिर बात करें ये बेडरूम की, तो ये बेडरूम की जो साइज़ हमने रखी है वो 11 फीट 4 इंच और दिस साइड फ्रेंड्स 10 फीट 0 इंच रखी है। यहाँ तक ये साइज़ है। फिर ये हमने डोर दिया है जो कि 3 फीट का डोर है। यहाँ पे 3 फीट का ये पैसेज है। यहाँ पे डोर डोर किचन और टॉयलेट बाथरूम हमने कॉमन रखी है यहाँ पे, जो कि 3 फीट दिस साइड ये हमने 0 इंच साइज़ रखी है। और दिस साइड की बात करें तो ये 7 फीट हमने रखी है फ्रेंड्स, ये साइज़ हमने रखी है। और यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का डोर और 2 फीट 6 इंच का डोर, और ये 4 फीट 8 इंच दिस साइड 7 फीट। ये भी काफ़ी अच्छा सा छोटा सा किचन रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टेयर्स अप 3 फीट की स्टेयर्स दिस साइड विथ 3 फीट, और ऐसे ही यहाँ तक में स्टेयर्स चढ़ जाएगी फ्रेंड्स, जो कि ये भी साइज रखी गई है वो 3 फीट रखी गई है। इस टाइप की हमने स्टेयर्स दिया है। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस काफ़ी अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। टोटल साइज़ की बात करें तो 11 फीट 4 इंच दिस साइड, और दिस साइड भी ये 11 फीट 4 इंच साइज़ रखी गई है, जो कि इसमें ये साइज़ है जो कि स्टेयर्स लेके है फ्रेंड्स। ये साइज़ स्टेयर्स छोड़ की बात करें तो ये 8 फीट 4 इंच बचेगी स्टेयर्स छोड़ के, लेकिन यहाँ पे तो स्टेयर्स आपकी काफ़ी हाइट पे रहेगी, यहाँ पे नीचे रहेगी, तो काफ़ी अच्छा सा लिया गया फ्रेंड्स। इसमें वॉल की साइज़ की बात करें तो 4 इंच रखी गई है, सभी वॉल की साइज़ 4 इंच रखी गई है। विंडो ऐसी विंडो प्रोवाइड किया गया, जो कि ये आप देख सकते हैं इसमें प्रोवाइड किया गया। 3 साइड से विंडो हमने प्रोवाइड किया। बिल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे बिल्डिंग कॉस्ट जो कि 6 to 7 लाख तक पड़ जाएगी खर्च फ्रेंड्स। कॉलम्स की बात करें तो ये सभी हमने कॉलम्स रखी है, गोल गोल दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये सभी कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे दिस साइड, ये यहाँ पे बीच में एक भी कॉलम नहीं रहेगा फ्रेंड्स। और फिर बात करें कॉलम साइज़ की, तो ये 10 इंच x 10 इंच का कॉलम साइज़ दे। इसमें 6 सरिया T 12 mm की प्रोवाइड करके और बना सकते हैं, सभी कॉलम में यही कॉलम साइज़ और सरिया प्रोवाइड करके बनाएं। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।